हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कानून और आपके अधिकार। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर यानी कि ड्रिंक कर ड्राइविंग करता है तो कब उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है और कब नहीं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइविंग करना हमारी खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और ड्रिंक करना भी हेल्थ के पर्पज से काफ़ी हार्मफुल होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के अंतर्गत अगर कोई पर्सन ड्रिंक कर ड्राइविंग करता है या फिर ड्राइविंग करने की कोशिश करता है और उसके ब्लड सैंपल में अल्कोहल की मात्रा यानी कि BAL 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से ज़्यादा होती है तब उस पर कानूनन अपराध बनता है। बट अगर उसके ब्लड सैंपल में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम मिलती है तो उस पर कोई कानूनन अपराध नहीं होता। मतलब अगर एक लिमिट में आपने ड्रिंक किया हुआ है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब आप पर पुलिस किसी तरह का चार्ज नहीं बना सकती। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।